इस कहानी के लेखक हैं संजय कांबले। चार दोस्त अंधेरी रात में एक तालाब के किनारे बैठे थे। तालाब के चमकीले पानी में पूनम के चांद का अक्स काफी लुभावना नजर आ रहा था। बीच बीच में काले बादल चांद को अपने आगोश में लेकर आगे निकल जाते। सभी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। बीच में बहुत सारी खाने की चीजें और शराब भी रखी हुई थी। सभी दोस्त मिलकर बड़े चाव से उन चीजों पर हाथ साफ कर रहे थे। भाई कोई डरावना किस्सा सुनाओ ना। और राकेश किस्सा सुनाने लगा। रात के करीब 1 बजे थे। आधी रात का वह समय, साथ ही हल्की बूंदाबूंदी देखकर लग रहा था कि जोरों की बारिश होने वाली है। शहर की सुनसान सड़क पर एक ऑटो चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑटो ड्राइवर हल्की सीटी बजाते अपने मोड में था कि तभी सड़क की एक तरफ कोई खड़ा नजर आया। ऑटो नजदीक ले जाते हुए ऑटो ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? अगली नुक्कड़ पर। और वो महिला ऑटो में सवार हो गई और कुछ ही देर में उनकी ऑटो दोबारा उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। ऑटो में बैठे उस औरत का पल्लू धीरे धीरे रिक्शे से बाहर जाते हवा में लहराने लगा। मैडम जी, आप कहीं जॉब करती हैं क्या? नहीं तो क्यों? मतलब आप इतनी रात को इस सड़क पर खड़ी थी, इसलिए पूछा। वैसे आपको जाना कहाँ है? आगे नुक्कड़ पर, जो पीला बंगला है ना, मैं वहीं रहती हूँ। क्यों मजाक कर रही हो मैडम जी, बताइए ना आपको कहाँ जाना है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं उसी बंगले में रहती हूँ अकेली। पर उस बंगले के बारे में मैंने तो कुछ अजीब सी बातें ही सुन रखी है। अजीब सी बातें? जैसे कि? मतलब उस बंगले में कोई बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को जान से मारती है। अल्लो, मेरा बंगला भी आ गया। ऑटो उस बंगले के गेट के बाहर आकर रुक जाती है। ऑटो वाला धीरे से अपना सर ऑटो से बाहर निकालकर बंगले की ओर देखता है। बंगला काफी अजीब डरावना लग रहा था, जैसे कोई वीरान खंडहर हो। ऑटो से नीचे उतरकर वो महिला अपनी पर्स टटोलने लगी। भैया 2 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो औरत गेट खोलकर बंगले के भीतर चली गई। ऑटो ड्राइवर के पास रुकने के अलावा कोई चारा ना था। वो डरा सहमा सा उस बंगले को निहार रहा था। मैडम के बंगले के अंदर जाते ही लाइट शुरू हो गई और कुछ सेकंड बाद दूसरे मंजिल की लाइट भी शुरू हो गई। उस औरत ने खिड़की का पर्दा सरकाया और ऑटो वाले से कहा, भैया 500 का छुट्टा है ना? उसकी आवाज सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, जी हाँ मैडम जी, छुट्टा है मेरे पास। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर अपने पॉकेट में से छुट्टे पैसे निकालकर गिनने लगा कि तभी उस औरत का हाथ उसके सामने आ गया, जिसमें 500 रुपए थे। हाथ पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। ऑटो वाले ने उस औरत की तरफ देखा और उसकी जुबान जैसे हलक में अटक गई, क्योंकि वो औरत अभी भी बंगले के भीतर खिड़की में खड़ी थी। उसका लंबा हाथ बंगले से निकलकर उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंच चुका था। उस औरत की लाल आंखें उसे लगातार घूरे जा रही थी। उसका डरावना रूप देखकर ऑटो ड्राइवर ने झट से ऑटो स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े तेजी से निकल गया। अरे फिर उस ऑटो ड्राइवर का क्या हुआ? क्या होना था, ऐसा खौफनाक दृश्य देखकर अगले 8 दिन तक बुखार से घर के बिस्तर पर पड़ा रहा। ये घटना बचपन से सुनता आया हूँ, कोई नया किस्सा सुनाओ यार। यार फिर भी ये काफी डरावनी घटना थी, विजु ने कहा। और कोई डरावना किस्सा बताओ ना, इस अंधेरी रात में डरावने किस्से सुनने में बड़ा मजा आता है। ठीक है तो सुनो। एक लड़की रोज सुबह जल्दी उठकर गाँव के इकलौते कुएं में पानी भरने के लिए जाती थी। सूरज निकलने के बाद भीड़ होने के कारण वो सूरज निकलने से पहले ही कुएं में पानी भरने के लिए पहुंच जाती। उस दिन भी वो सवेरे सवेरे कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंची। अभी भी काफी रात थी। कुआं गांव से थोड़ा दूर होने के कारण एक कच्ची सड़क से जाना पड़ता था। लड़की कुएं के पास पहुंची और बाल्टी कुएं में गिरा दी। कुएं से एक बाल्टी पानी निकालकर वो अपने बर्तन धोने लगी।
रात के सन्नाटे में उसकी चूड़ियों की खनक साफ साफ सुनाई दे रही थी। पूनम का चांद अभी पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा था। आसमान भी साफ होने के कारण काफी अच्छी रोशनी बिखरी हुई थी। वह लड़की अपने काम में मशगूल थी। बर्तन धोते वक्त एक चूड़ी टूट गई और उसके हाथ में जा घुसी, पर उस लड़की ने हाथ से बहते हुए खून पर ध्यान नहीं दिया। उसने बाल्टी दोबारा से कुएं में डाली और धीरे धीरे ऊपर खींचने लगी। तभी उस सुनसान गहरे सन्नाटे से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। काफी स्वादिष्ट है। उस पल की आवाज ने उस लड़की का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वह कुछ सेकंड वैसे ही चुपचाप खड़ी रही। आवाज की दिशा समझ में नहीं आ रही थी, पर आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। और दोबारा वही आवाज उसके कानों में गूंज उठी। काफी स्वादिष्ट है। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए बाल्टी को ऊपर की ओर खींचने लगी। बाल्टी ऊपर आ गई। उसने बाल्टी उठाई, पर बाल्टी के अंदर का पानी काफी गंदा नजर आ रहा था। उसने धीरे से बाल्टी के पानी में हाथ डाला। डर के मारे उस लड़की के मुंह से चीख निकल गई। उसने उस बाल्टी को वैसे ही कुएं में फेंक दिया और भागने की कोशिश में बाल्टी की रस्सी उसके पैर में अटक गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। वो लड़की काफी डर गई थी। डर के मारे वो पैरों में लिपटी हुई रस्सी खोलने की कोशिश करने लगी कि तभी उस गहरे में वैसे ही दोबारा किसी की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, जैसे कोई कुएं की दीवारें चढ़कर ऊपर आ रहा हो। इस तरह की आवाजें। जमीन पर गिरी लड़की कुएं की ओर देखकर उस रस्सी को पैर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर लग रहा था कि वो रस्सी धीरे धीरे पैरों को कस के जकड़ रही हो। वह लड़की काफी डर गई थी। उसके दिल की धड़कनें उसको खुद भी सुनाई दे रही थी। बदन पसीना पसीना हो गया था। आंखों में मौत का खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा। जैसे तैसे वो रेंगते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश करने लगी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। ना किसी की आवाज, ना कोई आहट, बिल्कुल खौफनाक सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। उसने अपनी खौफ भरी नजरों से कुएं की ओर देखा। वहां पर उस जगह कोई भी नहीं था। वह अकेली वहां पर थी। वह लड़की दोबारा अपने पैरों में अटकी रस्सी छुड़ाने की कोशिश करने लगी और फिर एक अजीब सी आवाज उसके कानों पर पड़ी। धीरे से अपनी नजरें उठाकर उसने कुएं की ओर देखा और सन्न रह गई। कुएं के अंदर की दीवार से एक खौफनाक चेहरा उसे झांक रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही किसी ने उसके पैर में बंधी हुई रस्सी को कुएं के अंदर खींच लिया और वो लड़की कुएं के उस गहरे पानी के अंदर समा गई। यार, ये तो काफी डरावनी घटना थी। फिर उस लड़की का क्या हुआ? और क्या होता, 3 दिन बाद उसकी लाश कुएं के पानी के ऊपर तैरती नजर आई। यार चलो एक और किस्सा सुनाओ, मजा आ रहा है। अरे पागल, बहुत रात हो गई है, अभी यहाँ से जाना होगा, वरना हमारा किस्सा लोग सुनाएंगे। वैसे भी ये काफी डरावनी जगह है और इस जगह के बारे में भी बहुत सारे किस्से मशहूर है। हाँ पता है, इस तालाब के भीतर एक आत्मा है जो लोग पानी में तैरने के लिए आते हैं उन्हें पानी के अंदर खींच लेती है। अबे बकवास बंद करो, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मैं कई बार यहाँ तैरने के लिए आया हूँ, मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा कहकर वो उठकर खड़ा हो गया और पानी से भरे तालाब की ओर देखकर चिल्लाने लगा। ए पानी वाले भूत, चल निकल बाहर, मैं तुझसे नहीं डरता। देखा, कोई भूत भूत नहीं है, खाली वहम है यार। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन अस्पताल के बेड पर वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके पास माँ और पिताजी गुमसुम से बैठे थे कि तभी उसे होश आ गया। पास खड़े डॉक्टर ने पूछा, अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। वैसे हुआ क्या था?
चारों की काफी गहरी दोस्ती थी। महीने में एक बार वे खाना पकाकर मस्ती करने उस तालाब के पास जाते थे। 2 महीने पहले भी वह तालाब के पास पहुंचे। हमारा राकेश उस दिन थोड़ी देर से पहुंचा, पर वहां पहुंचने के बाद देखा तो तालाब के पास उसके दोस्तों का सारा खाने का सामान बिखरा पड़ा था। उसने सबको फोन किया पर किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। वो परेशान होकर घर वापस आया। और उसके दोस्त? सभी की लाशें 2 दिन बाद पानी में तैरती मिली। पुलिस कहती है एक दूसरे को बचाते वक्त सभी डूब गए, पर कहते हैं कि तालाब के अंदर के पिशाच ने सबको निगल लिया। मेरा बेटा महीने में एक बार खाना बनाकर तालाब के किनारे अपने दोस्तों को मिलने जाता है। उसका मानना है कि वे सब आज भी जिंदा हैं। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। और नम आंखों से उसने अपने बेटे की तरफ देखा।